अरे राधिका, मेरी तो पूजा हो गई और तेरे अगले नवरात्रों में बनेगी ये जोत। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इस साल तो बनने वाली नहीं है। अरे राधिका, ये रोई छोड़ और इस कलावे से बना नवरात्रे के लिए अखंड जोत। अच्छा, कैसे? तो बस कलावे को ले और इसको अब 3 से 4 फोल्ड कर दे। 4 फोल्ड करने के बाद इसे ट्विस्ट कर ले। अच्छे से ट्विस्ट करना कि ये खुले ना। ये ले, तेरी अखंड जोत के लिए बाती तैयार है। तो बस ऐसी नवरात्रों को स्पेशल बनाने के लिए लेके आ गई हूँ मैं अमेजिंग हैक्स। और जैसे माता रानी कृपा बनाएगी, वैसे आप कुक विद दिशा को लाइक और सब्सक्राइब करके कृपा बनाए रखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ जी रूपम जी। हाँ निशा भाभी, यार लगता है इस बार भी कोई नहीं आएगा मेरे यहाँ कंजक पे। क्या हुआ? तैयारी करने में कंजकों के इतना टाइम लग जाता है और ऊपर से ये हलवा तो बनने का नाम ही नहीं लेता। बस इतनी सी बात, इसके लिए आप अपनी कंजकों की तैयारी पहले से कर लो। जैसे कि हलवे के लिए सूजी पहले से भून लो और इसे स्टोर कर लो। ऐसे ही आप चनों को भी पहले भिगो सकती हो। बस इतनी सी तैयारी कर लो और आपकी कंजकी फटाफट आपके घर आ जाएंगी। बस इतनी सी बात? चलो फिर मैं रखती हूँ फोन, तैयारी करती हूँ। चलो मैं तो चलती हूँ, बाय। अरे भाई, आज तो बड़ी जल्दी ना आ गया तू। अबे तेरे भाई का व्रत है। क्या 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 क्या? अबे भाई, अब अच्छी लड़की पाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। अबे भाई क्या हो गया, तेरा तो व्रत था ना यार। भाई उस चक्कर में तो भूख लग रही है यार। अबे भाई व्रत रखेगा तो अच्छी तो लड़की तुझे ही मिलेगी। अबे अगर जिंदा रहूंगा तभी तो लड़की मिलेगी यार। एक काम कर, मंदिर में फूट रखे खा ले जा। क्या? अरे डॉक्टर साहब जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे डॉक्टर साहब, ये केले के साथ अगरबत्ती का स्टैंड भी खा गया तो उसे मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी, तो नया खरीद लेते। अच्छा ये बताओ, इसे इतनी क्या भूख थी जो ये केले के साथ स्टैंड भी खा गया? अरे सर व्रत रखा था, इतनी भूख लगी कि केले के चक्कर में स्टैंड भी खा गया। देखा ना आपने, व्रत के चक्कर में ये केले के साथ अगरबत्ती स्टैंड भी खा गया। और अगर आपको भी व्रत रखना है तो फाइबर रिच फूड खाएं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, बनाना, स्वीट पोटैटो, एप्पल और ऑरेंज, क्योंकि इन खानों में होता है फाइबर जो डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लगाता है, जिससे कि आपका पेट फिलिंग रहता है। और अगर आपका पेट फिलिंग है तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, तो नारियल पानी, पानी या फ्रेश जूस जरूर पिएं। तो समझ में आ गया ना है, अब व्रत में भूखे रहने की जरूरत नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, इसके गले से वो तो निकाल दो। तो पूरी गिर गई, तेरे का हलवा गिर गया। अरे आंटी आ गई, भागो। मार्केट में बहुत तरीके के डिस्पोजेबल कंटेनर्स मिलते हैं,
इसमें भोग का प्रसाद पैक कर दें और कंजूकों को दे दें। तो देखा ना कितने अच्छे से पैक हो गया और इससे हमारा प्रसाद गिरेगा भी नहीं और डस्ट से भी बचा रहेगा। अच्छी तो नहीं करोगी ना ओवर एक्टिंग? अरे दीदी वो मैं रिहर्सल कर रही हूँ ना आजकल, तो फ्लो फ्लो में निकल गया। आओ फ्लो फ्लो में निकल गया। कंजूकों में बच्चों को अक्सर क्या गिफ्ट दें हम ये सोचते हैं, तो गिफ्ट लेते समय ऐसा गिफ्ट लें जो कि बजट फ्रेंडली हो और उनके डे टू डे यूज का हो। और गिफ्ट लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सारे गिफ्ट एक जैसे हों, क्योंकि बच्चे हैं तो उनमें आपस में मन मिटाव बिल्कुल ना हो। नवरात्रों में अक्सर कुट्टू की बहुत सी चीजें बनती हैं, जिसमें से पूरी एक है, लेकिन इसे बनाना एक टास्क हो जाता है। परफेक्ट पूरी बनाने के लिए आप जो कुट्टू का आटा है उसे बॉइल्ड आलू के साथ गूंदें, क्योंकि ये इसे बाइंड करता है। और गूंदने के लिए पानी का इस्तेमाल कम करें, अगर करना भी है तो गुनगुना पानी लें। और दूसरी बात, जब भी आपको इसकी पूड़ियाँ बनानी है तो इसका आटा तभी लगाएं, पहले से बिल्कुल ना लगाएं। इसे हथेलियों के बीच में रख के बेल लें और सेक लें। और देखिए कितनी मजेदार और स्वादिष्ट पूरी बनके तैयार है। इन नवरात्रि हैक्स के साथ मैंने आपकी आधी तैयारी तो नवरात्रों की करवा दी। बस इसी तरीके से आप नवरात्रि का त्यौहार मनाइए, और अगर आपके पास भी कुछ नवरात्रि के हैक्स है जो आप शेयर कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और राधिका और रूपम जी की कंप्लेंट है कि आजकल आप लाइक नहीं कर रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुक विद निशा को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बस माता रानी के आशीर्वाद के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और जय माता दी।